뉴스 코리티야 브라. 수빠라게 돼. 아차까다게 돼. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, तो मैं यहाँ पे भी जब ग्रुप राइड पे गए थे तब एवरेज हाइट आप लोग हैं सभी का मिला के तो ऑलमोस्ट 5.6-5.7 तक तो रहता है, शॉर्टेस्ट मतलब 5.3-5.4 तक बोल सकते हैं हम लोग, तो उतना हाइट तो मिनिमम होना चाहिए कोई भी सुपर बाइक चलाने के लिए। अगर उससे छोटे हैं तो उनका वो जो आगे टो रहता है ना वो टच होता है, तो उनका टो टच होता है और वो बहुत नैरो रहता है वो। अगर थोड़े हाइट है तो ऐसा नॉर्मली ऐसा गिरता है, अगर बहुत टॉल है तो प्रॉपरली ऐसे ग्राउंड पे आ जाता है अपना पैर। और बहुत सारे जो सुपर बाइकर्स भी यहाँ पे आए थे उनका भी हाइट ऑलमोस्ट 5.7, 5.8, 5.9 वैसे कुछ था, तो एवरेज 5.7, 5.8 तक ले सकते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट हम लोग 5.3, 5.4 तक चला सकते हैं। और डिनर के बारे में और एक क्वेरी था मेरे पास कि लॉन्ग राइड में कैसा है करके। देखो लॉन्ग राइड अगर जब तक मैं घर पहुंचूं ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 180-190 किलोमीटर्स एक दिन का, जिसको आप लॉन्ग राइड समझ सकते हो, अगर उससे ज़्यादा है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर 180-190 किलोमीटर्स तक है तो ठीक है। अगर आपके पास कोई भी लगेजेस नहीं है तो ठीक है। मैं पहली बार ये कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा भी बैक में थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है और हाथों में भी स्ट्रेन आ रहा है, मुझे ग्लव्स पहनना चाहिए था तब अच्छा रहता और बहुत सेफ भी रहता, लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे बैक में स्ट्रेन आ रहा है। लेकिन बहुत सारे जो टेनर्स आए थे अगर आप उन लोगों से भी पूछोगे वो लोग रेगुलरली करते हैं लॉन्ग राइड्स, मतलब इतना तो उनके पास होता ही होता है, तो जब वो रेगुलरली ऐसे राइड करते हैं उनको उतना पेन नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे एक साइड शोल्डर पे कैमरा बैग भी डाला है तो मुझे थोड़ा वेट महसूस हो रहा है, लेफ़्ट साइड शोल्डर भी थोड़ा दुख रहा है। अगर आपके पास बैग वैग कुछ नहीं है तो आराम से जा सकते हैं करके मेरा मानना है, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में अगर कोई बहुत ज़्यादा वाला लॉन्ग राइड हम लोग किए तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा क्या है कैसा है, लॉन्ग कर सकते हैं या नहीं करके। अभी तो अभी के लिए तो लगता है कि आराम से हो सकता है अगर थोड़ा रेस्ट ले लेके अगर आप चलाओ तो। बाला ने कोडेकनाल, यरकाड वो सब वहाँ तक सब लॉन्ग राइड किया है उन्होंने, तो वो बोल रहे थे उनको तो नॉर्मल अच्छा है करके। और बाला यहाँ पे भी चिकमंगलूर भी गए थे टेनर पे ही जब उनका एकरा शॉर्ट ही था शायद, तो कर तो सकते हैं लॉन्ग राइड आप देख लो। अगर आपको टेनर टेस्ट राइड करनी है, बहुत लोग चाहते थे कि टेनर एक बार चला के देखे या Z900 हो गया, तो आप एक काम कर सकते हो कावासाकी में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम लोगों को ऐसे गाड़ी बुक करनी है या गाड़ी लेना है हम लोगों को टेस्ट राइड करना है करके। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो टेस्ट राइड देना उतना 50-50 चांसेस है अगर देंगे या नहीं करके पता नहीं, लेकिन टेस्ट राइड का एक तो गाड़ी रहता है उनके पास वो तो एक बात है। उसके ऊपर ये भी है जब मैं ले रहा था मैं पहली बार अपना ही टेनर चलाया, मैं किसी और का गाड़ी नहीं चलाया। मुझे प्रतीक नायक जो है मेरे फ्रेंड उनका भी टेनर है, लेकिन उनसे पूछा नहीं था मैंने क्योंकि देखो अगर उनका गाड़ी है तो उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और उनको पता रहता है किनको देना है गाड़ी किनको नहीं देना है, और मुझे सुपर बाइक्स में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो मेरा उनसे मांगना भी उतना अच्छा नहीं होगा और उनका देना भी उतना ठीक नहीं होगा।
लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक बार टेस्ट राइड करके देखे, वैलिड डीएल वीएल लेके सब। तो आप एक बार कावासाकी में बात करके देख लो, जो लैंडफोर्ड रोड पे है वहाँ पे टेस्ट राइड की गाड़ी तो है, आप एक बार चला के देख लो कैसा फीलिंग है करके, फिर अगर आप चाहो तो आप बुक कर सकते हो। तो इतना तो थोड़ा जनरल रहता था क्वेरीज। जनरल क्वेरी के बारे में मैंने और एक वीडियो बनाई थी, 10 hours का कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट, और उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि टायर का कॉस्ट नहीं बताया करके। टायर तो मैंने चेंज नहीं किया था ना भाई, इसलिए टायर का कॉस्ट नहीं बताया था मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था। लेकिन आज मैं धीरज से पूछा, उन्होंने उनका टायर चेंज करवाया था, तो प्रॉबेबली 13,700 तक कुछ है एक टायर, फ्रंट या बैक का। तो बैक का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फ्रंट का उनका प्रॉबेबली 13,700 तक है, पता नहीं है क्या है करके। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनसे एक बार बात करके, कौन सा टायर चेंज किया, कॉस्ट क्या है करके, आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना क्या है कॉस्टिंग उसका। और ऐसे ही मैं बताता रहूँगा, जब भी मुझे कुछ पता चलेगा या मुझे कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहे उस मामले में। क्योंकि देखो, जितना आप लोग जानते हो उसके बारे में उतना ही मैं भी जानता हूँ। मैं थोड़ा इसको चलाता हूँ तो मतलब एक 5 या 10% चांसेस है कि थोड़ा ज़्यादा पता रहेगा, लेकिन 100% तो नहीं पता, ये तो 100% श्योर है। तो ये था, तो यही एक छोटा वीडियो बनाया था मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। पूरा शो पे भी आ गया यार उनका।